को न्यू वीडियो में स्वागत है। तो गाइज काफी टाइम बाद अपनी वीडियो आ रही है। तो गाइज अब से डेली आपको कंटिन्यू लर्निंग वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और गाइज अगर आपको कॉर्टेक्स के पेज सिग्नल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। गाइज अभी देख लो ग्राफ कैसे चल रहा है। ठीक है, अभी ग्राफ पे मैंने ना ही कोई इंडिकेटर वगैरह ना ही कुछ भी चीज़ मैंने इस पे अप्लाई नहीं कर रखी है। तो मैं आपको इसी तरीके से ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, विदाउट इंडिकेटर वगैरह, बिना कुछ चीज़ यूज करे मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। गाइज आपको यहाँ पे मतलब लाइव अकाउंट में बैलेंस दिख रहा होगा $10,000 का है। ठीक है, तो गाइज एक और अकाउंट था मैंने, उसमें ₹10,000 उसमें डिपॉजिट किए थे, तो वो अभी उसमें आया नहीं है। जैसे रिफ्लेक्ट होगा तो मैं उस अकाउंट को यूज़ करूँगा ₹10,000 वाले को। तो गाइज उसमें मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि 10,000 से हम 2 मंथ में कितना बैलेंस ग्रो कर सकते हैं। गाइज जो डेली टारगेट होगा वो अपना 10% रहेगा, बाकी 11, 12, 15 जो कुछ हो जाए ऊपर वो देखते हैं। ठीक है, बाकी अपना जो डेली टारगेट है वो 10% का ही रहेगा। गाइज अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज आप बैलेंस को मत देखना, आप इसको मतलब सोच के चलना कि ये हमारे ₹10,000 हैं। ठीक है, चलो तो अभी मैं कोई पेयर देखता हूँ। वैसे USDT BRL भी ठीक चल रहा है। गाइज मैं किस बेस पे क्या कुछ ट्रेडिंग लेता हूँ, ठीक है, क्या कुछ ट्रेड प्लेस करता हूँ, तो वह आप अच्छे से देखना इस बेस पे मैं ट्रेडिंग ट्रेड प्लेस करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा ओनली आपको दिखाने के लिए। वैसे तो मुझे दिख रहा है लेवल, ठीक है, अभी 2 मिनट के अकॉर्डिंग देखा मैंने। अभी से ओल्ड टाइम फ्रेम पे देखूँ, जैसे कि मैंने काफी वीडियोज में बोला भी है कि मैं ओल्ड टाइम फ्रेम पे चीजें चेक करता हूँ इसके अकॉर्डिंग। और देखो मैंने ओल्ड टाइम फ्रेम पे देखा तो इस वाली जो कैंडल का था यहाँ पे मिल गया, लेकिन इस वाली को छोड़ दो, हमें ये तीन इसके अकॉर्डिंग देखा है। ठीक है, तो एक हमारे पास लेवल ये हो गया, और सेकंड में इसे हल्की सी ऊपर लेके जाऊंगा, एक बॉडी टू बॉडी लाइन हो गई और सेकंड वाली हो गई अपनी वीक, तो उसमें वीक बनी हुई थी इस वाली कैंडल ग्रीन में वीक बनी हुई थी। ठीक है, तो नीचे का लेवल हम लेते हैं, गाइज आप ये चीज़ चेक मत करना कि मतलब वीडियो कितनी बड़ी बन रही है। मेन चीज़ है गाइज आपको नॉलेज मिल रही है या नहीं मिल रही, मेन चीज़ आपकी वो है। तो इस पे गाइज मैं 1 मिनट के लिए डाउन के लिए जा रहा हूँ। अब क्यों गया हूँ, देखो ऊपर जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी थी वो ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने पास ये एक लेवल बनेगा, बस ली मैंने 1 मिनट की, यहाँ पे मार्टिन भी यूज़ करना पड़ सकता है क्योंकि मैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो अभी देखो ये जो दो कैंडल है इसकी ये जो वीक है, ठीक है, ये तो देखो प्रॉपर एक लेवल बन रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 मिनट के लिए डाउन ट्रेड प्लेस करी थी। गाइस ये तो 2 मिनट की प्लेस हो रखी है, देख लो मैंने, वैसे मैंने 1 मिनट के लिए प्लेस करी थी तो 1 मिनट की तो अपनी क्लियर विन थी है। तो 1 मिनट पे दिखा देता हूँ आपको, देख लो क्लियर विन थी 1 मिनट की, बाकी देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ट्रेड प्लेस करनी है। अभी एक ट्रेड अपनी प्लेस हो चुकी है और देखते हैं USDT BRL पे क्या कुछ चल रहा है। गाइज मेन चीज़ है नॉलेज, नॉलेज इज कंपल्सरी। अगर आपने एक बार ट्रेडिंग को सीख लिया अच्छे तरीके से, मतलब ये गाइज आपको बस एक बार टाइम देना है इस चीज़ में, मतलब एक बार टाइम किस तरीके से देना है कि मतलब आपको एक बार अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपको फिर इनकम करने से कोई रोक नहीं पाएगा, आप डेली बेसिस पे खुद ही इनकम कर लोगे। देखो USD अपनी विन हो चुकी है। अब यहाँ पे 2 मिनट ओल्ड टाइम फ्रेम पे देखूँगा फिर से, तो पहले गाइस टाइम चेक कर देते हैं एक बार। हाँ ठीक चल रहा है, 3 मिनट
5 मिनट में गाइस देखो, अगर आपको थोड़ा दिख रहा होगा, एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड था, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन है, ये थोड़ी सी गैप डाउन में ओपन होगा जब ये अपसाइड के लिए जा रही है, ठीक है। 5 मिनट पे ये वाला सीन बन रखा है। अब इसको मैं 3 मिनट पे देखूंगा, तो 3 मिनट थोड़ी एम्बर टाइप कैंडल भी दे रखी है यहाँ पे, और जो इसकी जो इस पिछली कैंडल की जो वीक थी उस वीक में क्लोज कर रखी है, जो रेड कैंडल है। तो वीक के नीचे होती जब अपना एक हो सकता था कि हम यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड लें, तो अब यहाँ पे एक अपनी अप के लिए ट्रेड बन रही है। थोड़े नीचे आ गए तो हम प्लेस करेंगे, आ गई तो हमने एक अप के लिए प्लेस कर दी है, वैसे काफ़ी ऊपर जाके लगी है। तो गाइस देखते हैं, जितना हमने अभी तक देखा है तो ये कैंडल अप ही बननी चाहिए। यहाँ पे को प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि तो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा है, तो मुझे कैंडल ग्रीन ही दिख रही है, ग्रीन ही बनेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अप ट्रेंड में जो एक रिवर्सल कैंडल होती है वो रिवर्सल कैंडल भी दिखा दी मार्केट ने, उसके ग्रीन कैंडल बनी रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखानी चाहिए, देखो एक गैप डाउन में ओपन, अदरवाइज ये विन थी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्टिन ले रहे हैं थोड़ा बड़ा, मैं यहाँ पे श्योर हूँ गारंटेड गाइस देगा 100% विन होगा अपना, ये 101% लिखवा लो, ठीक है। रीजन आपको देता हूँ क्यों, देखो अब ट्रेंड था, रिवर्सल कैंडल आई, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनी जो इसकी वीक को भी ब्रेक कर दिया था, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल दी, ठीक है। और रेड कैंडल के बाद ये देखो, अगर इसकी जो ये बॉडी है, बॉडी को ब्रेक करके डाउन में अगर मतलब इसका ब्रेकआउट देती, जब हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल है वो हम डाउन के लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब नेक्स्ट डेट जो ही चल रही है इस कैंडल वाली। अब देखो अब यहाँ पे और दुगना मैं यहाँ पे कंफर्मेशन क्यों मिली मुझे यहाँ पे, एक तो कैंडल देखो अप ट्रेंड मार्केट हुआ, उसके बाद ये वाली जो कैंडल थी इसने गैप डाउन में ओपनिंग दे दी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे और श्योर हो गया था। तो गाइज आज का जो अपने टारगेट था 10% वो कम्प्लीट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से गाइज आप इसको मतलब 10,000 INR मान के चलना, जैसे मेरे उस अकाउंट में वो बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है तुरंत, तो मैं उस अकाउंट से अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास बैलेंस नहीं था इसलिए मैंने इसी अकाउंट को यूज़ करना पड़ा मुझे, बाकी बैलेंस इसमें बैलेंस तो काफ़ी था गाइज, लेकिन मैं वो बैलेंस मैंने सारा विड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं इसमें 10,000 का बैलेंस लेफ्ट रखा था, ठीक है। बस यही कुछ बात थी। तो गाइज बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और गाइज डेली आपको कंटिन्यू ऐसी लर्निंग वीडियोज आपको डेली मिलेंगी अब, तो वीडियो को विदाउट स्किप करके डेली एंड तक वॉच करना ताकि आपको नॉलेज मिल जाए पूरी। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए गाइस जब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।